आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अगर एक ऐसी ट्रायंगल हो जिसके तीनों साइडें दी हुई हों और उसके तीनों एंगल एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो हम उसके एंगल्स को कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारी ट्रायंगल यानी कि ए लाइन लाइन ए बी और लाइन ए सी, इसी तरह लाइन सी सी। इधर हमारे पास जो लाइन ए की लेंथ है वो है 25 फीट, इसी तरह लाइन सी की जो लेंथ है हमारी वो है 30 फीट और लाइन बी की जो हमारी लेंथ है वो है 20 फीट। अब इन तीनों लेंथ की मदद से हम इस ट्रायंगल के एंगल को मालूम करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम ट्रायंगल का अल्फा फिर बीटा और फिर गैमा यानी कि ये तीनों एंगल मालूम करेंगे। ट्रायंगल का एंगल अल्फा मालूम करने के लिए कॉस अल्फा इक्वल है, इधर हम क्या करेंगे यानी कि जो हमने मालूम करना है हमने अल्फा मालूम करना है, इसलिए अब हम बी का स्केयर लेंगे। बी हमारे पास है 20 का स्केयर प्लस सी का स्केयर लेंगे, सी हमारे पास है 30 का स्केयर हमने ले लिया। इसी तरह अब हम माइनस जो हमने मालूम करना है अल्फा ए का स्केयर लेंगे यानी कि 25 और नीचे आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि पहली और दूसरी यानी कि पहली हमारी क्या है बी और दूसरी क्या है हमारी सी, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना 20 और 30। अब हम क्या करेंगे आप ऐसे इकट्ठे ही ले लें 20 का स्केयर प्लस 30 का स्केयर माइनस 25 का स्केयर, हमने किया तो हमारे पास आया कॉस अल्फा हमारे पास जो वैल्यू आई 675। अब हमने ये नीचे जो वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 ये हमारे पास आई 1200। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 675 को डिवाइड 1200 पे कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.5625। अब इधर पास जो अल्फा है नीचे आके इधर हमारा अल्फा रह जाएगा और कॉस इनवर्स 0.5625 हम करेंगे। कॉस इनवर्स क्या है 0.5625 तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आई 577। अब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये 55 degrees 46 minutes 60.08 seconds आ गया, ठीक है। इसी तरह अब हम जैसे हमने अल्फा मालूम किया है अब हम बीटा को मालूम करेंगे। बीटा को मालूम करने के लिए कॉस बीटा इधर हमने क्या करना है अब हमने बी की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 20 का स्केयर लेके उसे ए और बी की वैल्यू में से सी की वैल्यू में से माइनस करेंगे। इधर यानी कि हमारे पास ए क्या है ए हमारे पास है 25 का स्केयर प्लस इधर हमारे पास सी क्या है क्योंकि हमने बी को मालूम करना है यानी कि बीटा को मालूम करना है और इधर हमारे पास सी की जो वैल्यू है वो है
30 का स्क्वायर माइनस हमने कर लेना है 20 जो हमने मालूम करना है उसका स्क्वायर, यानी कि बीटा बी का स्क्वायर लेंगे और नीचे 2 मल्टीप्लाई पहली और दूसरी क्या है हमारे पास ए की वैल्यू और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 30। अच्छा इधर अब हम 25 का स्क्वायर लेंगे, इकट्ठा कर लें आप इसे, 30 का स्क्वायर लेंगे और माइनस हम 20 का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई क्या आई 1125 cos बीटा। अब नीचे जो हमारी दो वैल्यू हैं 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 30, ये नीचे आया 1500। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1125 को डिवाइड हम कर देंगे 1500, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई 0.75। अब हम इसका बीटा हमारा इधर रह जाएगा और ये इधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब हम इसका जब कॉस इनवर्स लेंगे, कॉस शिफ्ट कॉस करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा और मल्टीप्लाई 0.75 से कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई बीटा की जो वैल्यू आई वो है 41.40। अब हम इसका डिग्री में से कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास डिग्री आ जाएगी 41 degree 24 minute 34.64 seconds। इसी तरह अब हम जो यानी कि अल्फा हमारा आया ये वाला कितना 55 degree 46 minute and 60.08 seconds। और इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास बीटा की वो क्या है 41 degree 24 seconds 34.64 seconds। अच्छा अब हम गामा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास अब हमने सी मालूम करना है कॉस गामा हमने लिया और इधर अब हम ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर माइनस अब सी की जो वैल्यू है वो माइनस हम इसमें कर देंगे क्योंकि हम अब नीचे आपने 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, इधर हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस अब 30 का स्क्वायर, तो हमारे पास इधर जो वैल्यू आई वो आई 125। अब नीचे वाली क्या होगी, नीचे वाली जो वैल्यू है उसे 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 20 नीचे वाली हमारी होगी 130। अच्छा अब इधर क्या होगा कॉस, इन दोनों का अब डिवाइड कर दें 125 divide 130, तो हमारे पास ये आया 0.125। इधर गैमा इस तरफ रहेगा और इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स लेंगे, कॉस इनवर्स क्या है हमारा 0.125, तो हमारी ये जो वैल्यू आई
82.81। अब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो डिग्री में कन्वर्ट करने से हमारे पास 82 डिग्री 49 मिनट 9.28 सेकंड। अच्छा, अब हम ये चेक करेंगे आया ना कि ये जो हमने जितने भी एंगल मालूम किए हैं वो दुरुस्त भी हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक ट्राइंगल के जितने भी अंदरूनी एंगल होते हैं वो 180 का मजमूआ होते हैं, इसलिए अब हम 180 डिग्री माइनस ये करते जाएंगे। हमारे पास जो अल्फा क्या है, 55 डिग्री 46 मिनट 60.08 सेकंड, पहला हमने माइनस कर लिया। अब हम दूसरी वाली को यानी कि बीटा की वैल्यू को माइनस करेंगे, 41 डिग्री 24 मिनट 34.64 सेकंड। अब इधर हमने इस वैल्यू को भी माइनस कर लिया, गैमा की वैल्यू जो है हमारे पास 82 डिग्री 49 मिनट 9.28 सेकंड। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई, 00, यानी कि ये जितने भी हमने एंगल कैलकुलेट किए थे उनको जब हमने उनकी वैल्यू 180 जो ट्राइंगल की अंदरूनी एंगल का मजमूआ होता है 180 उसमें से माइनस किया, तो लास्ट पे हमारे पास ये तीनों वैल्यू को माइनस करने से 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड आ गई। यानी कि इसका मतलब है ये जो हमने एंगल कैलकुलेट किए हैं अंदरूनी वो सारे के सारे दुरुस्त हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।